तो मिले इंडिया के न्यूएस्ट लोकपाल से, जस्टिस एएम खानविलकर। क्या आपको पता है ये पोस्ट 2 साल से खाली थी, और जस्टिस एएम खानविलकर इस पोस्ट को फिल करने वाले सेकंड कैंडिडेट हैं। जस्टिस एएम खानविलकर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं और काफी फेमस जजमेंट्स के भी पार्ट रह चुके हैं, जिसमें से एक है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। तो ये पोस्ट एस्टैब्लिश की गई थी फॉलोइंग द एनैक्टमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2013। अब लोकपाल का अपॉइंटमेंट एक स्पेशल कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, स्पीकर ऑफ द हाउस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड वन एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं लोकपाल की पावर के बारे में। तो इनके पास पावर है टू प्रोसिक्यूट, इन्वेस्टिगेट एंड टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस टू हियर केसेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स विच आर कनेक्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप मुझे बताइए कि इंडिया का फर्स्ट लोकपाल कौन था इन द कॉमेंट सेक्शन।